श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाग दूसरा अंग 347 से 720 तक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। सबका मालिक वह परम पिता एक है, उसका नाम सत्य है। वह सृष्टि की रचना करने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है, वह भय से रहित है, उसका किसी से बैर नहीं। वस्तुतः सब पर उसकी समान दृष्टि है। वह काल अतीत ब्रह्म मूर्ति अमर है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त है, वह स्वयं प्रकाशमान हुआ है, जिसकी लब्धि गुरु कृपा से होती है। राग आशा महला पहला घर पहला सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित वह सर्व संभाले बाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे बावन हारे केते तेरे राग परिस्यूं कहिए है केते तेरे गावन हारे गावन तुधनो पौन पाणी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुधनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुधनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहण तेरे सदा सवारे गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुधनो साध विचारे गावन तुधनो जति सती संतोखी गावन तुधनो वीर करारे गावन तुधनो पंडित पड़े रखी सुर जग जग वेदा नाले गावन तुधनो मोहनी मन मोहन सुरंग मछ प्याले गावन तुधनो रतन उपाए तेरे जेते 68 तीरथ नाले गावन तुधनो जोद महाबल सूरा गावन तुधनो खाणी चारे गावन तुधनो खंड मंडल भरमंडा कर कर रखे तेरे धारे सही तुधनो गावन जो तुद भावह रते तेरे भक्त रसाले होर केते तुधनो गावन से मैं चित न आवण नानक किया विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सच्चा साची नाई है भी होसी जाई ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यू तिस दी बढ़ियाई ज्योतिष भावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पात सहा साहा पात साहब नानक रहन रजाई। इस पाउड़ी की प्रथम पंक्ति में उस प्रतिपालक निरंकार जी के घर द्वार के बारे में प्रश्न पैदा हो गया, जिसकी निर्वृत्ति सतगुरु जी तुरंत ही अगली पंक्तियों में करते हैं। हे जगत पालक, तेरा वह दर घर कैसा है, जहां बैठकर तू सारी दुनिया की देखभाल व पोषण कर रहा है। तेरे द्वार पर नाना प्रकार के असंख्य नाद गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्यमान हैं। कितने ही तेरे राग हैं जो रागिणियों के संग वहां गान किए जा रहे हैं और उन रागों को गाने वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं जो तेरा यश गा रहे हैं। हे जग के रचयिता, पवन जल एवं अग्नि देव भी तेरा ही गुण अनुवाद कर रहे हैं तथा जीवों के कर्मों का विश्लेषक धर्मराज भी तेरे द्वार पर तेरी ही महिमा गा रहा है। जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त भी तेरा ही गुण अनुवाद कर रहे हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले
शुभाशुभ कर्मों का विचार करता है। हे परमेश्वर जी, तेरे द्वारा प्रतिपादित शिव, ब्रह्मा व अनेकों देवियाँ जो शोभ्यमान हैं, तेरी ही महिमा गा रहे हैं। समस्त देवताओं व स्वर्ग का अधिपति इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा अन्य देवताओं के साथ मिलकर तेरे द्वार पर खड़ा तेरा ही यश गा रहा है। अनेक सिद्ध लोग समाधियों में स्थित हुए तेरी ही महिमा गा रहे हैं और विचारवान साधु भी विवेक से तेरा ही यशोगान कर रहे हैं। अनेक यति सती एवं संतोषी भी तेरी ही महिमा स्तुति गा रहे हैं और पराक्रमी योद्धा भी तेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। हे प्रभु, दुनिया के समस्त विद्वान व महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि युगों युगों से वेदों को पढ़ पढ़कर तेरा ही यशोगान कर रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाली सुंदर अप्सराएं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक एवं पताल लोक में तेरा ही गुणगान कर रही हैं। तेरे उत्पन्न किए हुए 14 रतन जगत में 68 तीर्थ तथा उनमें विद्यमान संत जन भी तेरा यशोगान कर रहे हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, महाबली एवं शूरवीर भी तेरा ही गुण अनुवाद कर रहे हैं तथा उत्पत्ति के चारों सूत्र अंडज, जरायुज, स्वेदज व उद्भिज भी तेरी ही उपमा गा रहे हैं। हे विधाता, नवखंड मंडल एवं संपूर्ण ब्रह्मांड जो तूने बना बना कर धारण कर रखे हैं, वे भी तेरी ही महिमा स्तुति गा रहे हैं। वास्तव में वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन है, तेरे नाम के रसैया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अनेकानेक और भी कई ऐसे जीव हैं जो मुझे स्मरण नहीं हो रहे, जो तेरा ही यशोगान करते हैं। मैं कहाँ तक उनका विचार करूं, अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना मैं कहाँ तक करूं। वह सत्य स्वरूप परमात्मा भूतकाल में था, वही सद्गुणी परमेश्वर वर्तमान में भी है, वह जगत का रचयिता भविष्य में सदैव रहेगा। वह परमात्मा न जन्म लेता है और ना ही उसका नाश होता है। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह के आकार वाली एवं अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है, अपनी इस सृष्टि रचना को कर कर के वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है, अर्थात उनकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जगत के रचयिता को जो कुछ भी भला लगता है वही कार्य वह करता है और भविष्य में भी करेगा। इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। गुरु नानक जी का फरमान है कि हे मानव, वह परमात्मा शाहों का शाह अर्थात सारे विश्व का शहनशाह है, इसलिए उसकी रजा में रहना ही उचित है।